सुप्रभात, मैं निशा रावत देवभूमि इनसाइडर में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो चला है आज की सुर्खियों का। सबसे पहले देश और दुनिया की खबरें। पुंछ जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर सेना की गाड़ी में लगी आग, हादसे में 4 जवान शहीद। उमेश पाल के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई, परिवार और बच्चों से मिलने वाले की हो रही चेकिंग। गौतम अडानी ने मुंबई में एनसीपी चीफ शरद पवार से की मुलाकात। देश में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ रहे मामले, बीते 24 घंटे में 12,591 मामले आए सामने। अमित शाह की मौजूदगी में असम और अरुणाचल प्रदेश सीमा विवाद पर साइन करेंगे एमओयू। अब खबरें उत्तराखंड से। विपक्ष के विधायकों के साथ सीएम धामी की बैठक, क्षेत्र के मुद्दों पर हुई चर्चा। हल्द्वानी के कुशार्क दुर्गपाल ने बढ़ाया प्रदेश का मान, एनडीए की परीक्षा में प्राप्त किया दूसरा स्थान। सीबीए कार्यकारी समिति की बैठक का दूसरा दिन, उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने किया इंडिया रीजन का प्रतिनिधित्व। केदारनाथ धाम में बर्फबारी ने बढ़ाई चिंता, ग्लेशियर टूटने से पैदल मार्ग बंद। अंकिता भंडारी केस में बयान दर्ज कराने कोटद्वार न्यायालय पहुंचे पुलकित आर्य समेत तीनों आरोपी। तो ये थी आज की सुर्खियां, कल फिर मिलेंगे नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देवभूमि इनसाइडर। जय हिंद।